दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका मनान सॉफ्टवेयर में और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रेडमी 8A डुएल के बारे में। तो रेडमी 8A में उसमें दो मॉडल आता है, ठीक है, एक होता है सिंगल सिम, एक आता है डबल सिम। अगर सिंगल सिम है तो उसको सिंगल सिम में जाकर ही अनलॉक करें, अगर डबल सिम है तो डबल वाला ही मेथड उससे लेकर के अनलॉक करें, ठीक है। अगर आप मान के चलिए आपका डबल है सिम और सिंगल में अनलॉक करेंगे तो मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, या मोबाइल अगर जो है सिंगल है और डबल में अनलॉक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको परफेक्ट मॉडल ही सिलेक्ट करना है। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले सबसे पहले मोबाइल को एयरटेल मोड लगाना है, उसके बाद यहाँ पे क्वालकॉम टूल पे क्लिक मारना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन है, डायग मोड और फ्लैश मोड, ठीक है। तो आपको फ्लैश मोड ही यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन है तो सर्वर पे चेक लगाना पड़ेगा आपको, तो सर्वर पे चेक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ब्रांड है Xiaomi, Xiaomi को आपको सिलेक्ट करना होगा। Xiaomi सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मॉडल, तो यहाँ पे जो Redmi 8A है तो उसमें डबल सिम भी है और सिंगल सिम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको दोनों मिल जाएगा। तो यहीं पे अगर गलती करते हैं आप, अगर डबल सिम का मोबाइल है आपका और सिंगल सिम सिलेक्ट करके आप अनलॉक करते हैं तो मोबाइल में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, तो IMEI करप्ट होगा या कोई ना कोई दिक्कत आ गई, वाईफाई में प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा मोबाइल में आपका, ठीक है। अनलॉक तो हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम आएगा मोबाइल में, तो इसीलिए आपको देखना है आपके पास जो मोबाइल आया रेडमी 8A, ठीक है, तो वो डबल सिम है या सिंगल सिम है। तो ये अगर डबल सिम है आपका उसमें तो रेडमी 8A प्रो हो गया वो, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सिंगल सिम रहेगा तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमारा ये डबल सिम है तो हमें यहाँ पे अनलॉक करना है और इसमें IMEI अकाउंट लगा हुआ है तो अनलॉक करना है, ठीक है। तो ये किसी कस्टमर का मोबाइल है जो मुझे कॉल किया था और मैं उसे यहाँ से ऑनलाइन अनलॉक करके दिया और वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेट IMEI अकाउंट पे क्लिक करना है, कुछ ही देर में बहुत ही आसानी से मोबाइल जो है ये अनलॉक हो जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि अगर ये मॉडल गलत होता तो यहाँ पे बूट करने में दिक्कत करता है, किसी न किसी तरह का एरर देता, ठीक है। इसको मैंने पहले अनलॉक कर चुका हूँ, ठीक है, इसको फिर मैं भूल गया था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए फिर मैं दोबारा इसको अनलॉक कर रहा हूँ। एक बार इसको अनलॉक कर चुका हूँ, फिर मैं इसे वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा जो है वही तरीका फिर से अपना करके आपको अनलॉक करके दिखा रहा हूँ। इसका IMEI अकाउंट पहले से अनलॉक किया हुआ है, इसलिए IMEI अकाउंट डिसेबल जहाँ पे फेल दिख रहा है, FRP ओके दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इस मोबाइल को मैंने पहले ही अनलॉक कर दिया था और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने दोबारा से इस मोबाइल को फिर अनलॉक किया, ठीक है। तो आपका IMEI अकाउंट रहेगा तो इसमें आसानी से निकल जाएगा, IMEI अकाउंट पिन पैटर्न जो है ये सब आपका सारा ऑप्शन है इसमें, आप निकल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।